So in the previous two classes, we are talking about the fuel injection system, that how the fuel is supplied to the IC engine, कि कैसे कैसे हमारे IC engine के अंदर fuel supply होता है. Among of them, हम लोगों ने flow chart देखा कि किस कौन कौन से सिस्टम हमारे डीजल इंजन के हैं, कौन कौन से सिस्टम हमारे SI इंजन के हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि दैट हाउ द फ्यूल सप्लाई सिस्टम वर्क्स इन द SI इंजन. एंड द लास्ट क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्ब्यूरेटर, हाउ द कार्ब्यूरेटर वर्क्स, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कार्ब्यूरेटर वी हैव, द व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग द कार्ब्यूरेटर. सो इन टुडेस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिकली एक वीडियो है रिलेटेड टू द कार्ब्यूरेटर, एंड हाउ द कार्ब्यूरेटर वर्क, एंड आफ्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द fuel supply system in the 3i engine. Okay, so let's start with the video of the carburetor, that the how the carburetor, what are the basic components of the carburetor and how the carburetor works. Okay, so before I am going start, so can you please elaborate that the, what is the meaning of the carburetor or what is the use of the carburetor? Carburetor is a device which is used to mix the fuel and the air and passes to the engine. Which type of the engine? Petrol engine, spark ignition engine. Spark ignition engine. And nowadays we are going to obsolete the carburetor also, na? हम लोग आज के टाइम पे भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो ऐसा इंजन है उसके अंदर से कार्ब्यूरेटर हेड को हटा के उसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द रिलेटेड latest technology, ki how the latest technology works. So here is a video on your screen regarding to the, please have a look. So ये यहाँ पर हमारे पास पूरी वर्किंग बताई गई है, कौन कौन से पार्ट्स हमारे कार्ब्यूरेटर के अंदर लगे हुए होते हैं. सो उसी को यहाँ पर मूव करवा रहे हैं, तो प्लीज हैव अ लुक. You can also prepare this type of the video using your the SolidWorks. Most of the persons knows about the SolidWorks, how the SolidWorks come and कैसे उसकी साइनर असेंबलिंग की जाती है. So this basically shows that how the components are connected with this simple and clean carburetor. Okay, so this is about the clean carburetor, the how the clean carburetor works. Hope so इसके थोड़े से जो कंपोनेंट हैं वो समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस टाइप से लगते हैं इसके अंदर. सो दिस वीडियो इज रिलेटेड अबाउट द कंपोनेंट्स, हाउ द कंपोनेंट्स कैन वर्क. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल मूव फॉरवर्ड अबाउट द SCI इंजन, दैट इज हाउ द CI इंजेक्शन इंजन वर्क्स. कौन किसी ने को पता है कि कितने कितने टाइप के हमारे पास फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स होते हैं अभी प्रेजेंटली में, किस पे वर्किंग कर रहे हैं? एनी आइडिया, एनी सजेशन आर वेलकम. किसी को कुछ आइडिया हो तो बताएं. सर CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन. यस, CRDI हो जाएगा. एंड गुड, CRDI करेक्ट है. और
Bansal? I don't have any knowledge about this. एक बच्चे MPFI ये चलता है, एक तो CIDI ही, एक है MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इग्निशन या फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है MPFI सिस्टम, ये दो टू टेक्नोलॉजी आर वाइडली यूज इन टू द ऑटोमोबाइल, ठीक है कहीं पर हम CIDI का यूज करते हैं, कहीं पर हम लोग किसका यूज करते हैं MPFI का यूज करते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम फॉर द CI इंजन, सो आपने सबसे पहले इसके लिए एक फ्लो चार्ट देखा होगा कि CI इंजन के अंदर फ्लो चार्ट किस अकॉर्डिंग वर्किंग करता है. उस फ्लो चार्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो हमारे इसके साथ में रिलेट करते हैं. एक बार फ्लो चार्ट के बारे में बात करते हैं पहले. इज आवर फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट के अंदर ये क्लियरली मेंशनड है, इट इज क्लियरली मेंशनड कि हमको सबसे पहले क्या चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है, फिर एयर फिल्टर का होता है. एयर फिल्टर को हम लोग कहाँ कर भेज देते हैं, इंजन के अंदर भेज देते हैं, जहाँ की ये जहाँ पर क्या करते हैं इसको सक्शन स्ट्रोक के अंदर ये एयर इग्नाइन होती है, और कंप्रेशन के अंदर क्या होता है इसको कंप्रेस किया जाता है. कंप्रेस करने के बाद में फिर हम लोग हमारा फ्यूल जो है उस फ्यूल को इसके अंदर क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं. फॉर फ्यूल इंजेक्शन ऑफ दैट फ्यूल, सबसे पहले हमारे पास फ्यूल जो रखा होता है किसके अंदर, स्टोरेज टैंक के अंदर, उसको कहाँ भेजा जाता है, इसको भेजा जाता है फिल्टर के पास में. फिर फिल्टर से कहाँ जाता है, ये लो प्रेशर पंप के पास में जाता है, वहां से अगेन इसको हम लोग क्या करते हैं फ्यूल का फिल्टर करते हैं. फिर लो प्रेशर से इसको हम भेजते हैं कहाँ पर, हाई प्रेशर पंप के पास में. फिर इसको हम कहाँ भेजते हैं, लास्ट के अंदर फ्यूल इंजेक्टर के अंदर, जो कि क्या करता है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक हमारा जो फ्यूल है उसको एटोमाइज करता है किसके अंदर, हमारे सिलेंडर के अंदर. और यहाँ पर ये किसके साथ में मिक्स होता है, ये कंप्रेस्ड एयर के साथ में मिक्स होता है, और क्या हो जाता है हमारा फ्यूल बर्न हो जाता है, ठीक है उससे हमारा फ्यूल क्या हो जाता है बर्न हो जाता है. तो ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यूस वर्किंग रहती है किसके अंदर, हमारे डीजल इंजन के अंदर. सो इन टूडेज लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट filter, we are going to discuss about this pumps, we are going to discuss about this fuel injector and how this complete process works. कि कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये है ना प्रोसेस वर्किंग होती है, इसे हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम फॉर द CI इंजन, तो बेसिकली इन द CI इंजन हाई प्रेशर इट इज अबाउट 28 टू 70 बार एंड द हाई टेम्परेचर दैट इज 520 डिग्री सेल्सियस टू अप्रॉक्स 700 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू कंप्रेशन रेशियो व्हिच आर यूजिंग अबाउट 12:1 टू 20:1. ये कहां से कहां तक वेरी करता है, 12:1 से 20:1 तक कंप्रेशन रेशियो वेरी करता है. द हाई टेम्परेचर ऑफ एयर एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक इज सफिशियंट टू इग्नाइट द फ्यूल which is injected to the cylinder at the end of the compression stroke. Okay, so basically as the combustion progresses, the amount of oxygen available for the burning reduces and therefore heat is released and reduced. And iska heat ka use kahan par karte hain hum log? Is heat ka use karte hain hum log kiske liye, hamare fuel ko burn karne ke liye karte hain. So when we are talking about this system, and we are talking about this system, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, नोजल स्प्रे का यूज करते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पर अपने को डायग्राम्स के थ्रू दिखा रखा है कि हमारे पास में क्या है, एक फ्यूल टैंक असेंबली है. Here is a fuel tank assembly. Fuel tank assembly के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक इंजेक्टर पंप के अंदर और फीड पंप सिस्टम का यूज करते हैं, जो कि क्या यूज करते हैं, इसकी टाइमिंग को डिसाइड करते हैं, ठीक है. और आफ्टर विद दैट टाइमिंग हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक मल्टीपल नोजल कनेक्टेड करते हैं, जो कि क्या करता है यहाँ से स्प्रे इसमें लाके स्प्रे क्रिएट करता है. तो ये क्या है, फ्यूल स्प्लिट ट्यूब है, ये हमारी इंजेक्शन ट्यूब है, ये इंजेक्शन नोजल असेंबली है, ठीक है. तो हमारे फ्यूल को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कंट्रोल करते हैं. तो बेसिकली फ्यूल इज इंट्रोड्यूस इन टू द सिलेंडर ऑफ अ डीजल इंजन थ्रू अ नोजल विद अ लार्ज प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द नोजल ऑरिफिस. Basically, the cylinder pressure of the injection is typical range of 550 to 100 atmospheric pressure. And when we ignite the fuel, हम लोग जब इन फ्यूल को प्रेशराइज करते हैं तो इस फ्यूल का प्रेशर काफी इंक्रीज हो जाता है. एंड दिस लार्ज प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द इंजेक्टर नोजल आर रिक्वायर्ड सो दैट द इंजेक्टेड लिक्विड फ्यूल जेट
will enter through the chamber at sufficient high velocity because of the burning. कि क्या हो किस proper burning generate हो पाए. Okay. तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस यूज करते हैं, हम लोग सोलेनोइडल केबल्स का यूज करते हैं. बेसिकली व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट एंड कंस्ट्रेंट फॉर द इंजेक्शन ऑफ द सिस्टम, कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ सुनना. दैट कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल इनटू द कंबशन चैम्बर शुड टेक प्लेस विद अ प्रिसाइसली पीरियड ऑफ साइकिल. फॉर दैट वी आर यूजिंग द टाइमिंग, ठीक है, वी आर यूजिंग द वॉल्व टाइमिंग डायग्राम्स यूज करते हैं हम लोग जो है ना इसके लिए ट्यूनिंग सेट करते हैं. आपको सुना है ना ट्यूनिंग सेट की जाती है, तो हम क्या करते हैं उस ट्यूनिंग के लिए क्या करते हैं, उस पॉइंट को मेंशन करते हैं किससे उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द मीटरिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्यूल, ठीक है, जिसको हमको काफी एक्यूरेटली इसको करना क्रिएट करना पड़ता है. द क्वांटिटीज ऑफ फ्यूल मीटर्ड शुड वेरी टू मीट द चेंजिंग द लोड एंड स्पीड रिक्वायरमेंट्स. The injection rate should be such that it results in the desired heat release pattern. Besides the above requirements, we can say that the weight and size of the fuel injection system must be minimum. कि जो हमारा fuel injection system है उसका weight and size क्या होना चाहिए, थोड़ा सा small होना चाहिए. So एक fuel injection system आपके screen पे बताया हुआ है. यहाँ पर हम लोगों ने ना different different solenoids use करी हुई है for to generating the electric power. और यहाँ पर फ्यूल इग्नाइट और फ्यूल इंटर हो रहा है. हमने सबसे पहले क्या लगा रखा है, फ्यूल फिल्टर लगा रखा है. इस फ्यूल फिल्टर के थ्रू इसके थ्रू हमने क्या लगाया, स्प्रिंग एंड प्लंजर लगा रखे हैं जो कि अब इसके कंट्रोल करते हैं. और एक स्प्रे टिप है जिसके थ्रू क्या होता है, स्प्रिंकल फॉर्म में एटोमाइज्ड फ्यूल बाहर निकलता है जो कि किसको में कन्वर्ट करता है, इसको हमारी एयर के साथ में मिक्सिंग कर देता है. सो वेरी स्मॉल साइज ऑफ द ड्रॉपलेट्स एनेबल्स द रैपिड इवेपोरेशन. This transfers the combustion chamber into the time available and fully utilize the air charge. जो हमारे पास air charge है उसको fully utilize करता है. अगर हम बात करें कि कौन कौन से हमारे ना injection system के अंदर elements हैं, तो कुछ elements का हम लोग use करते हैं. This is a basically type of the fuel injection system. If we are talking about the elements which are using, तो सबसे एक first element होता है, that is the pumping element, जो कि क्या करता है हमारे elements. एक सबसे पहला होता है हमारे पास है पंपिंग एलिमेंट. व्हाट डू इट हैपन, इट मूव द फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक टू द सिलेंडर एंड पाइपिंग. सेकंड हमारे पास का जो कंस्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है मीटरिंग एलिमेंट. मीटरिंग एलिमेंट, व्हाट दिस मीटरिंग एलिमेंट वर्क्स, दिस मीटरिंग एलिमेंट इज यूज टू मेजर एंड सप्लाई द फ्यूल एट द रेट डिमांडेड बाय द लोड एंड स्पीड. थर्ड होता है मीटरिंग कंट्रोल्स. मीटरिंग कंट्रोल्स जो कि क्या करता है, इस फ्यूल सप्लाई सिस्टम को क्या करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग एलिमेंट. सर मीटरिंग एलिमेंट एक बार और बता देना सर. बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ द मीटरिंग एलिमेंट, कि जो हमारा फ्यूल सप्लाई हो रहा है जब हमारा लोड वेरी करता है तो उस लोड के वेरिएशन के टाइम पे कितना फ्यूल हमको उसके अंदर भेजना है वो कौन डिसाइड करता है, ये मीटरिंग एलिमेंट करता है. तो बेसिकली इट इज यूज्ड टू मेजर एंड सप्लाई द फ्यूल एट द रेट डिमांडेड बाय द लोड एंड स्पीड. हाउ द आवर लोड वेरीज एंड हाउ आवर स्पीड वेरीज, सो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर रिक्वायर्ड द सम अमाउंट. लाइक हम लोग गवर्नर, हम लोगों ने एक स्टडी किया था गवर्नर, ठीक है. व्हाट इज द यूज ऑफ द गवर्नर, द गवर्नर इज यूज्ड टू सप्लाई द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ऑफ एन इंजन. ओके, सो दैट गवर्नर इज कम्स टू अ कैटेगरी ऑफ द मीटरिंग एलिमेंट. ओके स्टूडेंट्स, देन द फोर्थ व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग एलिमेंट. एनीवन हैविंग आइडिया अबाउट दिस, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग एलिमेंट? सर नोजल्स उसके स्प्रे करने के लिए. यस, जो ऐसे हमारी नोजल्स हैं, ठीक है, क्या होता है कि हमारा जितना भी मीटर्ड अमाउंट आ रहा है, जितनी हमने ना मीटर फ्यूल लिया है उसको पूरे सिलेंडर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जिन एलिमेंट्स का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मीटरिंग एलिमेंट्स. ओके, देन वी कम्स टू द फिफ्थ एलिमेंट. दिस फिफ्थ एलिमेंट इज टाइमिंग कंट्रोल एलिमेंट. What is the meaning of the timing controls?
इट इज यूज्ड टू एडजस्ट द स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ इंजेक्शन, कि कब हमको है ना इंजेक्शन स्टार्ट करना है और कब हमको क्या करना है इंजेक्शन को स्टॉप करना है. सो वो कौन कंट्रोल करता है, दीज टाइमिंग एलिमेंट्स विल कंट्रोल. एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट इज मिक्सिंग एलिमेंट्स. Okay, to atomize and distribute the fuel within the combustion chamber, we are using the mixing element. So after this, we come to the type of the fuel injection system. कि है ना कितने type के हमारे पास में fuel injection system होते हैं, कि किस कैसे working करते हैं. तो इसको एक flow chart के through हम लोगों ने show किया हुआ है. That the fuel system is divided into the two categories. First one is the air injection category. Second one is the solid injection category. So दोनों में डिफरेंस अभी समझाता हूँ. भाई सॉलिड इंजेक्शन को अगेन हम लोगों ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है. ये है एक हमारे पास में मैकेनिकल इंजेक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन. इन दिस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, आजकल ऑटोमाइजेशन यूज करते हैं, हम लोग मैकाट्रॉनिक्स का यूज करते हैं, कुछ सेंसर्स यूज करते हैं, सेंसर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं. बट इन द मैकेनिकल इंजेक्शन हम लोग यूज करते हैं किसका, कॉमन रेल सिस्टम का, जिसको CRDI कहते हैं, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम. एक होता है इंडिविजुअल पंप सिस्टम, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम. जो कि डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम हम लोग टेक्नोलॉजी किसमें भी यूज करते हैं, कार्ब्यूरेटर के अंदर भी यूज करते हैं. ओके, सो अगर हम बात करें सबसे पहले एयर इंजेक्शन के बारे में, तो बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ द मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, एयर इज कंप्रेस टू द वेरी हाई प्रेशर एंड आफ्टर दैट द इंजेक्टर इंजेक्टेड थ्रू द फ्यूल नोजल इन टू द इंजन सिलेंडर. The rate of fuel admission can be controlled by varying the pressure of injection air. Storage air bottles, which are capped, charged by an air compressor, supply the high pressure air. It has some advantages and disadvantages. Advantages बड़े easy हैं कि है ना क्या करता है ये, एक atomization better provide करवाता है, distribution of fuel इसका better रहता है. As the combustion is complete, the brake mean effective pressure is higher than the other टाइप ऑफ द इंजेक्शन सिस्टम. बट इसके लिए है ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, कि हमको है ना मल्टी स्टेज कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट होती है. इट रिक्वायर्स अ मल्टी स्टेज कंप्रेसर. ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिस्टम का. इट मल्टी स्टेज कंप्रेसर जो होता है कि हमारी गाड़ी जो कोस्टिंग है उसको काफी इंक्रीज कर देता है. तो इसके लिए क्या होता है कि फिर इसमें जनरेशन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में काफी डिफेक्ट आता है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द CRDI सिस्टम एंड द MPFI सिस्टम इन द मेजर इन टुडेज कैटेगरी. अगर हम बात करें किसकी, सॉलिड इंजेक्शन के बारे में, तो इस सॉलिड इंजेक्शन के अंदर क्या, एयर पहले भेज दी जाती है और फिर बाद में फ्यूल को इंसर्ट करवाते हैं. एयर इंजेक्शन के अंदर क्या करते हैं, एयर इंजेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को काफी हाई उसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर के अंदर कंप्रेस करके फ्यूल और एयर दोनों एक साथ में इग्नाइट करवाते हैं. जबकि सॉलिड इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, जो हमारे सिस्टम हम लोग डीजल इंजन के अंदर समझते हैं कि एयर को पहले भेज दिया, कंप्रेस कर दिया, उसके बाद में फ्यूल को भेज देते हैं. इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड इंजेक्शन. इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड इंजेक्शन और एयरलेस इंजेक्शन. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड इंजेक्शन और एयरलेस इंजेक्शन. सो व्हाट कैन वी से बेसिकली सेड अबाउट द सॉलिड इंजेक्शन, वी से दैट द इंजेक्शन ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू द कंबशन चैम्बर विदाउट प्राइमरी एटोमाइजेशन इज टर्म्ड एज द सॉलिड इंजेक्शन. बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, वो कौन कौन से होते हैं. एक हमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल टैंक की. अगर हम इस पूरे सिस्टम के बारे में बात करें कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट हमको रिक्वायर्ड होते हैं, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोनेंट, सो बेसिकली दूस कंपोनेंट्स आर, एक हमको इसके लिए चाहिए होता है फ्यूल टैंक, फ्यूल फीड पंप, फ्यूल फीड पंप टू सप्लाई द फ्यूल फ्रॉम द मेन फ्यूल टैंक टू द इंजेक्शन पंप. थर्ड वन इज द फ्यूल फिल्टर. फिल्टर का देखो यूज बहुत ज्यादा है इसके अंदर, पूरे सप्लाई सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमको डस्ट फ्री ऑयल चाहिए, डस्ट फ्री सब्सिडी चाहिए, बिकॉज ऑफ कि हम क्या कर सकें, हमारे इवेंट इंजन को वियर एंड टियर से क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें. क्योंकि हमारा जो इंजन सिस्टम होता है बेसिकली कैसा होता है, रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर वियर एंड टियर के चांसेस बहुत ज्यादा इंजेक्ट हो जाते हैं. ओके,
फ्यूल फिल्टर के बाद में हमको क्या चाहिए, एक इंजेक्टर पंप, after that we are needing, we are requiring a governor. Okay, this governor is used to ensure that the amount of fuel is in accordance with the load. ये governor भी हमारे पास में बहुत सारे type के होते हैं. Mechanical governor होता है, electrical governor होता है, ठीक है. Mechanical governor के अंदर हमारे पास Porter, Proel, Hartnell governor, spring control governor, watt governor, different different type के governors use होते हैं. So that depends on the conditions of which we are using the equipment. कि कौन सा हम लोग इंजन यूज कर रहे हैं, उस इंजन की साइज और उस पे वेरिंग लोड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस गवर्नर का यूज करते हैं. एंड द लास्ट वन इज द कुछ हमको फ्यूल की पाइपिंग की रिक्वायरमेंट होती है. फ्यूल पाइपिंग एंड इंजेक्टर. तो जो यहाँ पर मैंने 6 कंपोनेंट्स मेंशन किए हैं, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम के साथ में वर्क करते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं कि कैसे ये सिस्टम वर्किंग करते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग कि क्या एयर इंजेक्शन सिस्टम है. बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि इन दिस इंजेक्शन सिस्टम फ्यूल इज पुश्ड इनटू द सिलेंडर बाय मीन ऑफ द कंप्रेस्ड एयर. This method is capable of producing the better atomization and penetration of fuel, resulting the higher break main effective pressure. If you are talking about the solid injection system, so in this type of the system, liquid fuel is injected directly into the combustion chamber without add of compressed air. This compressed air is already present into the our combustion chamber. Every solid injection system have the pressuring unit, which is called the pump, and atomizing unit, which is called the injector. ओके, नेक्स्ट इज जो हमारा सीआरडीआई सिस्टम है, दैट इज अ कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम. बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल पंप सप्लाई होता है, एक सिंगल पंप सप्लाई होती है जो कि हाई प्रेशर फ्यूल हेड पे सप्लाई करती है, और एक रिलीफ वॉल होता है जो कि क्या करता है, सारे पॉइंट्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है. So it delivers a more controlled quantity of atomized fuel, which leads to the better fuel economically, a reduction in exhaust emission and a significant decrease in engine oil. So यहाँ पर हमारे पास में एक इंजन है, ये यहाँ पर हमारा फ्यूल आ रहा है, ये फ्यूल के एक कंट्रोल्ड यूनिट हम लोगों ने यहाँ पर लाई कर रखी है, जो कि क्या करती है, कितना एटोमाइज यूज करना है. दीज आर यूज एज ए इंजेक्टर. तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे फ्यूल को किसके अंदर भेजते हैं, हमारे डीजल के अंदर भेजते हैं. तो यहाँ पर नोजल्स लगा देते हैं, इंजेक्टर के ऊपर नोजल्स लगा देते हैं, जो कि क्या करता है, इसको स्प्रे करता रहता है कि कितना फ्यूल हमारा स्प्रे होके इसके अंदर मूव करेगा. सो इट इज बेसिकली एक लेआउट डायग्राम है जो कि किसको बता रहा है, इसके कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम को बता रहा है. तीन कलर से शो करने की कोशिश करिए. द फर्स्ट वन येलो कलर शोज द लो प्रेशर सप्लाई सर्किट. जो रेड कलर से आपको शो हो रहा है, ये किसको बता रहा है, हाई प्रेशर डिलीवरी सर्किट. एंड ये जो ब्लू कलर का सिस्टम बता रहा है, ये किसको बता रहा है, अगर कहीं से भी कुछ भी फ्यूल लीक होता है, तो वो फ्यूल लीक भी कहाँ पर होके कैसे रिटर्न करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं. तो एक पूरे सिस्टम को अगर स्टार्ट किंग वे से देखा जाए, तो हम लोग यहाँ पर से फ्यूल को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फ्यूल टैंक है. यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फ्यूल सबसे लो प्रेशर स्टेज के बाद में कहाँ भेजते हैं, एक एयर फिल्टर के पास में भेजते हैं. ये एयर फिल्टर को करने के बाद में कहाँ भेजते हैं, इसको हम हाई प्रेशर पंप के पास में भेज रहे हैं. ये हाई प्रेशर पंप क्या कर रहा है, इसको फिल्टराइज कर रहा है. फिल्टराइज करके हमारे पास में कहाँ भेज रहा है, इसमें इंजेक्शन सिस्टम के पास में भेज रहा है. यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्टर्स लगा रखे हैं. यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ लीकेज क्रिएट हो रहा है, यहाँ कुछ लीकेज क्रिएट हो रहा है, और इनमें से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्यूल हमारे पास बचा है, उस सभी को हम इस ब्लू लाइन के थ्रू वापस कहाँ भेज देते हैं, हमारे फ्यूल चैम्बर के पास में वापस भेज देते हैं, ठीक है. तो ये सिस्टम को यहाँ पर शूट किया गया ट्रिपल कलर से. तो हम जब भी फ्यूल सिस्टम की ये बात करते हैं, सीआरडीआई इंजन की, तो हम क्या यूज करते हैं, हम लोग तीन सिस्टम यूज करते हैं, जिसके अंदर लो प्रेशर सर्किट होता है, एक हाई प्रेशर सर्किट होता है, एक फ्यूल लीक सिस्टम होता है, जो कि इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स एडवांटेजेस, कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो द सिस्टम अरेंजमेंट इज सिंपल एंड लेस मेंटेनेंस कॉस्ट. सेकेंड वन इज द ओनली वन पंप इज सफिशियंट फॉर द मल्टी सिलेंडर इंजन. थर्ड वन, it fulfills the requirement of either the constant load with variable speed or constant speed with the variable load. ठीक है, अगर variable load पे मुझे है ना constant speed रखनी है, तो भी एक system काम करता है, और constant load के ऊपर speed को variable working करनी है, तो भी ये system हमारा क्या करता है, बहुत अच्छे से working करता है.
बट इट ऑल्सो हैव द डिसएडवांटेजेस. बेसिकली द डिसएडवांटेजेस आर कि जो इसकी टेंडेंसी है टू डेवलप द लीक्स इन द इंजेक्शन वॉल्व, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर फ्यूल सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ लीकेज अवेलेबल होता है. सेकेंड वन इज कि अगर हम इस सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, इसकी बहुत अच्छी डिजाइनिंग एंड वर्कमैनशिप चाहिए कि बहुत प्रॉपर वे में ये वर्किंग करे और बहुत अच्छे वे से क्या करें इसको हम लोग डिजाइन कर सके, तभी ये सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है. अदरवाइज ये सिस्टम क्या होता है, इतने अच्छे से वर्किंग नहीं करता है. नेक्स्ट वन इज द इंडिविजुअल पंप सिस्टम कि हम लोग क्या करते हैं कि हर एक सिलेंडर के साथ में जितने मल्टीपल सिलेंडर है उनके लिए क्या करते हैं, सेपरेटली पंप का यूज करते हैं. Each cylinder is provided with the one pump and the one injector. The injector is located on the cylinder and pump is placed at the side of the engine. Okay. So, यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो इसके अंदर about 1/450 seconds. 1/450 seconds at 1500 RPM of the engine provide the injection through the 20 डिग्री क्रैंक एंगल. कि हमारा क्रैंक एंगल उस टाइम पे कितना ओपन होता है, क्रैंक 20 डिग्री क्रैंक एंगल के ऊपर क्या करता है, ये इसको ओपन कर देता है, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्यूल है, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्यूल काफी वेरिएशन के साथ में वेरी करता है किस टाइप का रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्यूल होगा. सो दिस इज द हाउ आवर इंडिविजुअल पंप सिस्टम वर्क, कि कैसे हम उसको क्या करते हैं, इक्वली क्या करते हैं, हर एक इंजन को एक सेपरेट क्या प्रोवाइड करवा देंगे, सिलेंडर प्रोवाइड करवा देते हैं और एक क्या प्रोवाइड करवा देते हैं, इंजेक्टर पंप यूज कर प्रोवाइड करवा देते हैं. सो इट इसमें क्या होता है, जो नोजल कंटेंट्स होती है, इट्स डिलीवर द वॉल्व एक्चुएटेड बाय द फ्यूल फ्यूल ऑयल पंप तो आपके सामने यहाँ पर है ना डायग्राम एक अवेलेबल है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या बता रखा है कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक हाई प्रेशर पंप अवेलेबल है जो कि इस फ्यूल सप्लाई सिस्टम को क्या करता है, कहाँ से आ रहा है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, बाय द लो प्रेशर पंप. बीच में क्या लगा होता है, एक एयर फिल्टर लगा हुआ होता है और इस फ्यूल सप्लाई सिस्टम को हम लोग कहाँ भेजते हैं, हमारी इंजेक्टर के पास में भेजते हैं, जो कि हमने पहले उसके अंदर डायग्राम के अंदर शो किया हुआ था. ठीक है, तो पहले जो हम लोग कॉमन रेल यूज कर रहे थे उसके अंदर हमने क्या करा था कि मल्टीपल इंजेक्टर्स लगा दिए थे. ये मल्टीपल इंजेक्टर्स क्या कर रहे थे, हमारे पास है मल्टी सिलेंडर के लिए मल्टीपल वर्किंग करके दे रहे थे. बट इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है कि हमको जितने अगर मल्टीपल सिलेंडर्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मल्टीपल हम लोग क्या यूज करते हैं, पंप का यूज करते हैं और पंप के साथ में क्या क्या लगा देते हैं, एक एक इंजेक्टर इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं. थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, दैट द हाउ द डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम वर्क्स. सो बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ द सिस्टम विच प्रेशराइज द फ्यूल ऑल्सो द मीटर एंड टाइमिंग इट, द फ्यूल पंप आफ्टर द मीटरिंग द रिक्वायर द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल सप्लाइज इट टू द रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर एट द करेक्ट टाइम फॉर द सप्लाई टू ईच फ्यूल सिस्टम. क्या होता है, जैसे अब हम कैम का यूज करते हैं ना, कैम्स होती है तो उन कैमशाफ्ट का एक यूज होता है, क्रैंक एंगल्स यूज होते हैं, तो उन कैमशाफ्ट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसके फ्यूल सप्लाई सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. ओके, एक डिस्ट्रीब्यूटर हेड बना हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूटर हेड किससे कनेक्टेड होता है, हमारे जो हमारा इंजेक्टर है उससे कनेक्टेड होता है. तो ईच एंड एवरी टाइम दैट इज अ डिपेंड ऑन फ्यूल इग्निशन सिस्टम की कौन सा हम इग्निशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, उस इग्निशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है. नेक्स्ट हमारे पास में आता है मल्टीपल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम MPFI, जिसको हम पढ़ेंगे बाद में. आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना सा ही था कि किस टाइप से ये वर्किंग करता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम वर्किंग करते हैं. कुछ वीडियोज अवेलेबल हैं जिनको आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर शो कर देंगे कि कैसे ये वीडियोज रन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स.